बाहर से कूटी हुई थी, ये अच्छे से बूट गई है कटहल की सब्जी और लग भी रही है टेस्टी। स्वागत है आपका मेरे चैनल उषा ब्लॉग्स में। आज मैं आपको बताऊंगी कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी आपने बहुत तरीके से बनाई होगी, लेकिन मेरे तरीके से बनाए आपको इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आप बार बार बनाएंगे और खाते रह जाएंगे। उन्हें को तो इसमें बड़ी आफत होती है, फ्रंट से छिलने पर आफत आती है, फिर इसमें लहसुन मतलब बहुत, इसमें भी पनीर वगैरह की तरह खूब अच्छे से बनाना पड़ता है। लेकिन आजकल लहसुन प्याज वगैरह ज़्यादा खाने का मन तो नहीं करता, लेकिन ये सीजन में एक ही बार आती है, इसी सीजन में आती है तो मन भी करता है। और कटहल की सब्जी का अलग स्वाद होता है, इसलिए आप ज़रूर बनाइए कटहल की सब्जी। इसके लिए आप सबसे पहले ये तेल लगा दीजिए हाथ में अच्छे से, और ये बर्तनों में अगर जिसमें आप रखेंगे और काट के जिसके छिलके रखेंगे उसमें भी आप तेल लगा दीजिए, क्योंकि इसमें टोप आता है वो चिपक जाता है हाथ में, और जिस चाकू से काटेंगे तो आप उसमें भी तेल लगा दीजिए और इसमें भी आप तेल लगा दीजिए। इसमें हम रखेंगे इसको आधा काट के, फिर इसमें रखेंगे इसको अच्छे से, इसके हम इसके लिए चाहिए कुछ तेज चाकू, या तो आप लोहे की चाकू या ऐसी चाकू में जो तेज लगती है वो चाकू लीजिए, खूब तेज चलने वाली चाकू चाहिए, लोहे की चाकू से भी काटते हैं बहुत। ये चाकू हमारी तेज है, और कटहल खरीदने से पहले आप ध्यान दीजिए कि वो पकाना हो नहीं तो वो जो कटहल पक जाता है गर्मी के मारे वो टेस्ट नहीं होता है। ये कल ही लाए थे मैंने, फ्रिज में रख दिया था मेरे हस्बैंड, लेकिन ये मतलब ये छोटा है, ये ऐसा ही कटहल टेस्टी होता है, बहुत बड़े टेस्टी नहीं होते। फिर कटहल कटहल की बात है, बनाने पर भी बात है, अच्छा लग रहा है हमको। ये भी मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, वैसे जितना मतलब बहुत टेस्टी कटहल होता है, थोड़ा जो है तो ये छोटा ही, लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़ा टाइम हो गया होगा इसे बाजार में। ये पहाड़ी कटहल तो नहीं होगा, नहीं होता है तो पहाड़ी जैसा लग रहा है उसी, तो बन के पता चलेगा, लेकिन विधि मतलब यही है, आप देख लीजिए कटहल अच्छा होना चाहिए। मतलब यहाँ मतलब ये है कि जो प्लेन्स की सब्जी हुई ना ये, तो ये वहीं ज़्यादा अच्छी होती है, यहाँ वाली का भी अलग स्वाद है, आम वगैरह यहाँ के अलग स्वाद के होते हैं, लेकिन जैसे प्लेन्स के होते हैं ऐसे टेस्टी नहीं होते। ये देसी यहाँ के कटहल में उतने रेसी नहीं होते हैं, ये ऐसा ही लग रहा है दिखने में। मैं जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट स्पंजी होता है प्लेन्स का, उतना नहीं लग रहा है, लोकल में भी होता ही है, और होने को तो स्वादिष्ट होता ही है, लेकिन प्लेन्स का जैसे आम होते हैं खा किसी जगह के प्लेन्स के ज़्यादा अच्छे लगते हैं और किसी खास जगह के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वैसे कटहल और सब्जियों का भी होता है, जैसे कहीं कहीं खास जगहों की आम अच्छे मान लगते हैं, कहीं किसी जगह ये हाथ फिसल तो रहे हैं, लेकिन हाथों में भी तेल लगाना ज़रूरी था, क्योंकि ये नहीं तो ये इसमें चोप लग जाता है देखिए वैसे भी, इसलिए हाथों में आप ज़्यादा तो नहीं लगाइए, नहीं तो चाकू भी फिसल जाती है, लेकिन बीच बीच में लगाते रहिएगा आप, जिस समय कटहल काटते हैं तो बीच बीच में लगाते रहिएगा, क्योंकि चोप लग जाता है हाथों में, तो इतना ज़्यादा भी मत लगाइएगा, मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा दिया तो ये चाकू फिसल ही है, लेकिन आप जिस जैसे जैसे अभी चोप लग रहा है तो आप लगा लीजिएगा, ये हाथों में निकल जाएगा। Thank you.
पे छिल दिया है, मैं इसको बताती हूँ आप कैसे काटना। ऐसे आप ये भी, मैं भी इसको भी छिलूंगी, ऐसे काटूंगी, ऐसे काटिएगा आप। ये मैंने छिल दिया है फ्रेंड्स, इसे मैं काट देती हूँ। आप ऐसे ही बनाइएगा ये वाला भी, तो ये ऐसे ही मैं छिलूंगी, ये आप भी पूरा मतलब ऐसे ही काटिएगा। ये अंदर के गोले ये ऐसे करके आप काट दीजिए। इसमें अंदर के गोले भी ये टेस्टी होते हैं फ्रेंड्स, जो दाने होते हैं ये आप ऐसे करके, ये इसके तो कोमल है, छिकल इसमें कोमल है, नहीं तो आप क्या करिएगा ऐसे जैसे आप ऐसे निकाल लीजिए इन गोलों को और ऐसे करके इनको पूरे छिल लीजिए, पूरे निकलते हैं तो पूरे, नहीं तो ऐसे करके, नहीं तो आप ऐसे करिएगा इसको बीच में से ये ऐसे जैसे पूरे ऐसे निकाल के आप ऐसे छिल दीजिए। अभी तो ये तो कटे ही हैं फ्रेंड्स, अगर जैसे जो कटे नहीं होते हैं पूरे दाने होते हैं उसमें से अगर आप, ये तो कोमल है खैर, इसमें तो ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, छोटा है कटल, टेस्टी भी होगा वैसे। अब पता नहीं ये लोकल का हुआ है या प्लेन्स का हुआ है, लेकिन ये मतलब कोमल है ये कटल, छोटा ही है ये कटल, तो ये टेस्टी होगा। जो मतलब ज़्यादा जितना छोटा होता है उतना ही टेस्टी होता है, ज़्यादा जो बड़ा हो जाता है फल वो कटल का जो की सब्ज़ी, जो ज़्यादा बड़े वाले कटल की सब्ज़ी होती है उसमें टेस्टी भी होती है। ये ऐसे करके आप ऐसे करके जैसे अगर आपके मतलब जो बड़ा कटल होता है, जो मतलब जिनार कहते हैं हमारे यहाँ पहाड़ी में, जिनिया का कटल होता है, उसको आप ऐसे छिपकल छील सकते हैं, ये ऐसे करके छील सकते हैं, ये आराम से निकल जाएगा। ये तो कोमल है फ्रेंड्स, इसे नी भी निकालेंगे तो चल जाएगा। और जैसे बाई चांस अगर वैसे छिलने में दिक्कत होती है आपको, तो आप जैसे ये दूसरा निकाल लूँ मैं दाना, तो ये दाने छिल के अलग से अगर आप खाएंगे तो बहुत टेस्टी होते हैं इनकी। अब अलग से तो कोई तो बनाता भी होगा तो पता नहीं मुझे, लेकिन अलग से बना के भी टेस्टी होगी। इसमें भी अगर छिकल निकाल देंगे आप, छिकल निकाल के रख लेंगे तो अगर अलग से खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी होगी। आप ऐसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये बाहर से ये जो का बड़ा बड़ा छिकल निकाल लीजिए, फिर अगर अंदर जैसे प्लास्टिक का जैसा होता है इसका छिकल, ये तो कोमल है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो सॉफ्ट हो रहा है छिकल, नहीं तो प्लास्टिक का जैसा होता है ये, मतलब ये बिल्कुल ही कड़ा छिकल होता है, तो इसे आप ऐसे काट के भी छिल सकते हैं। अगर आप ऐसे काटना नहीं चाहते हैं दानों को दो हिस्सों में, तो मैंने बता दिया आपको वैसे ही आप, जैसे ये मैं बताती हूँ एक दाने में आपको बता देती हूँ। और ये आप ऐसे ही छील के आप निकाल सकते हैं, ऐसे करके आप पूरा कटल काट लीजिए। जानते होंगे आप लोग कटल काटना, जो बाई चांस जिन्होंने नहीं बनाई है कभी कटल की सब्जी, उनके लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसको काटना मुश्किल होता है और सब्जियों की तरह, जैसे और सब्जियां तो आराम से कट जाती हैं, लेकिन इसकी थोड़ा मुश्किल होती है काटने। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी हरियाली हो गई है, ये बहुत अच्छा है, अब हरियाली हो गई है, धान भी अच्छे हो गए हैं। ये एक दो बार इन लोगों ने गोड़ भी दिए हैं शायद, और यहाँ क्योंकि पानी वाली जगह है, जबकि देर में बोए थे आप लोगों ने देखा था, लेकिन फिर भी एकदम जम गए और ऐसे गोड़ गाड़ के भी इन लोगों ने बढ़िया बना दिए हैं। और ये देखिए बढ़िया हरियाली हो गई है, कितने हरे भरे दिख रहे हैं खेत, ये देखिए सुंदर प्राकृतिक छटाओं का आनंद ही लीजिए, सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिख रहा है शाम के समय, बहुत ही अच्छा सीनरी दिख रही है, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है शाम के समय इधर, मतलब छत में ठंडी हवा चलती है शाम के समय, दिन में तो गर्म बहुत होने लग गया है इधर भी। Thank you.
इतना कटहल वो काट दिया हमने, और ये पहाड़ी कटहल ही था बता रहे थे, तभी अलग ही पहचाना जा रहा था। इसके रेशे थोड़ा कम थे और ये थोड़ा इसमें थोड़ा सख्त होता है, और बीच का जो दाना होता है मतलब जो मतलब इसमें डंठल होता है बीच में कटहल के, वो भी बड़ा होता है इसमें। तो अब ये मतलब यहाँ के भी अच्छे होते हैं, अपना अलग स्वाद होता है, लेकिन ये प्लेन्स में होने वाली वैरायटी है तो वहाँ अच्छा होता है। यहाँ हमारे वहाँ जैसे जूलाघाट में गर्म होता है, हमारे डोली में भी गर्म होता है, मतलब ठंडी के दिनों में ठंडी भी होती है वहाँ। ये पिथौरागढ़ के मुकाबले जो मेन पिथौरागढ़ मेन मार्केट जो मेन एरिया ऐसे हैं पिथौरागढ़ के मार्केट के नज़दीक, उनकी अपेक्षा की कम होती है वहाँ ठंडी। तो उधर बिस्कोली में इन जगहों पे होता है यहाँ कटहल। ये काट दिया है मैंने लगभग मतलब पौन घंटा लग गया था, क्योंकि छीलने में उसमें ये बहुत मुश्किल होता है ये काटना। अब बनाती हूँ मैं कटहल की सब्ज़ी, देखिए आप। मैंने काट दिया पूरा, क्योंकि ये रख के कल आए हुए थे, कल फ्रिज में रखा मैंने, रख के फिर ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स। आप भी जिस समय आपको कटहल की सब्ज़ी बनानी होगी आप उसी समय लाइए, नहीं तो ये खराब हो जाती है ज़्यादा, फिर रख के भी ख़राब हो जाती है। आप भी जब कटहल लें तो ताज़ा लें, जितना बनाना है उतना लें, ज़्यादा ला गए थे वैसे दिख छोटा ही रहा था, और पहाड़ी कटहल ये बोल रहे थे, और ये अच्छा ही वहाँ ज़्यादा ही लगता है फ्रेंड्स। बहुत लोग तो कटहल पहले फ्राई करते हैं फिर बनाते हैं, वैसे बहुत टेस्टी होता है। अगर आप भी ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो ऐसा तेल वेल तो करिए, लेकिन मैंने ज़्यादा ही डाल रखा, आप देखते हैं। इसे मैं अच्छे से भूनूंगी उसको, अब इसमें मैं डाल देती हूँ इसको, थोड़ा तेल थोड़ा होने देते हैं इसको। इसमें मैंने दो मिर्ची हरी मिर्ची काट रखी है, देख रहे हैं आप, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ही मतलब ये मसालेदार ही अच्छी बनती है कटहल की सब्जी। वैसे मसालेदार सब्जी मैं आजकल अवॉइड कर रही थी, मतलब गर्म ज़्यादा हो रहा है करके, लेकिन ये साल भर का ही की सब्जी भी फ्रेंड्स, और अच्छा मानते मेरे हस्बैंड तो लागे। तो इसमें एक लाल मिर्ची का तड़का भी हम लोग दे देंगे, और इसमें मैं ये सब मैंने जीरा और राई जो गर्म हो गई थी वो डाल रखी है, इसको होने देते हैं। इसका तरीका भी सिंपल है, लेकिन मतलब ये है कि इसको बहुत ही मतलब आपने अच्छे से बनाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत लगेगी इसमें, लेकिन इतना कोई कठिन नहीं है ये, इतनी कोई कठिन इसमें मसाले भी नहीं चाहिए। घर के मसालों से सब्जी मसाला डाल दीजिए और अलग से आप बस ये आप इसको भून लो। और ये इसमें मैंने लहसुन और धनिया और घर का जीरा पीसती है, और वैसे मैं घर का धनिया डाल लगा, धनिया पाउडर भी डालूंगी, क्योंकि धनिया पाउडर तो आज इतना भी खा सकते हैं गर्मियों में। और हल्दी भी लेकिन ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, गर्म होती है वो भी, और लेकिन हल्दी है होती खून भी साफ करती है, आपकी त्वचा के सौंदर्य को भी बढ़ाती है। लगाते हैं देखा होगा तो खाने से भी कुछ फर्क पड़ता ही होगा उसके। इसको आप थोड़ा ब्राउन होने दीजिए, मैं इसमें थोड़ा नमक डाल देता हूँ। आप मेरे तरीके से बनाइए फ्रेंड्स, आप मैं प्रॉमिस करती हूँ बहुत अच्छी होगी सब्ज़ी, क्योंकि आप मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जो लोग भी मेरे खाता मतलब खाना या सब्जी वगैरह स्पेशली खाते हैं तो तारीफ ही करते हैं, चाहे घर वाले हों बाहर वाले हों, कि अच्छा बनाती हूँ। और इसमें कोई खास बात नहीं है, मतलब अपने मुँह से अपनी तारीफ करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन बोलते हैं लोग, और इसमें कोई खास बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ज़्यादा मसाला डाल के थोड़ा मेहनत करके आप बनाएंगे, और आप हम लोग 20-21 साल से खाना बना रहे हैं, पहले भी मैं बनाती थी मम्मी के साथ, तो प्रैक्टिस है अब मुझे, तो अब इतनी प्रैक्टिस आपको होगी, किसी को भी होगी, तो वो टेस्टी बनेगा खाना। मम्मी के साथ भी सब्जी वब्जी बनाना मैंने सीख रखा था, मायके में भी बनाती थी, और इतने सालों से यहाँ अब सब खाना ही बनाना मेन काम होता है, और हम तो फैक्ट हुए लेकिन वो एक्स्ट्रा में आ जाते हैं। नमक डाल दिया था तो ये थोड़ा ये ब्राउन जैसा हल्का ब्राउन होने लग गया है प्याज, लेकिन थोड़ा और चला लेते हैं इसको। इसमें अब ये मैं ये लहसुन भी डाल दूंगी, लेकिन आपको ये तेल ज्यादा लग रहा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि कटहल भी ज्यादा ही है, फिर ये मैंने बोला है भूतना पड़ता है तब टेस्टी होता है। अच्छे से भुना होना चाहिए, मतलब ये लहसुन प्याज डाले अच्छे से भुना होना चाहिए, और
कटहल भी आपने अच्छे से भुना है, क्योंकि मैंने बताया फ्राई करके निकालते हैं तो हम वैसे नहीं बना रहे, तो अगर भुनेंगे नहीं तो वो टेस्टी नहीं होगी। ये हो गया है ये, और ये थोड़ा इसके साथ ही जाएगा, तो अब इसमें डाल देती हूँ मैं। ये ज़्यादा हो गया कटहल, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा कम बना दीजिए, ये नहीं बाद में, इसको पहले भुनना पड़ेगा। टमाटर बाद में डालेंगे फ्रेंड इसमें, ज़्यादा हो जाएगा। इतना मैंने बचा दिया है ये। ये आप ऐसे मत बचाइए कटहल, इसको काट के फ्रिज में रख दीजिए और दूसरे दिन सुबह बना लीजिए। मतलब ये है कि तुरंत बना लीजिए, या सुबह काट के रखते हैं फ्रिज में तो दिन में बना लीजिए तुरंत, मतलब जिस समय आप दूसरा खाना बनाते हैं बना लीजिए। इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ये इसमें ये अभी घट जाएगी, वैसे सब्ज़ी बहुत दिख रही है। इसमें मैं ये मसालों का पानी डाल देती हूँ, और ये बिना पानी डाले हमने इसे बिना पानी डाले बिल्कुल कम आँच में बिना टमाटर डाले इसे भूनना पड़ेगा। अगर हम इसे भूनेंगे अच्छे से तभी ये टेस्टी बनेगी, इसलिए आप इसे ऐसे अभी ढक लीजिए, ढक के पकाइए आप इसे, और थोड़ा देर में आप ये थोड़ा देर इसको मेरे ख्याल से ऐसे मंदा आँच में या बिल्कुल मंदा आँच में 2-3 मिनट या 4-5 मिनट आप देख लीजिए, बीच बीच में चेक कर लीजिए, बिल्कुल मंदा आँच में 2-3 मिनट में आप चेक कर लीजिए। अगर वो भुन गई है, थोड़ा घट गई है तो ठीक है, उसके बाद ही मिला सकते हैं, नहीं तो थोड़ा और भुनने दीजिए। उसके बाद इसमें हम टमाटर मिलाएंगे और थोड़ा भी मसाला मिला के पानी छिड़केंगे, फिर थोड़ा देर में पक के तैयार हो जाएगी। इतना ही ऐसे मंदा आँच में तो मैंने रखे हुए बिल्कुल सिम आँच की थी, 5-6 मिनट हो गए हैं, 6-7 मिनट हो गए हैं। वैसे ये भुन गया है फ्रेंड्स, बहुत भुन गया है, इसे एक बार मैं चला देती हूँ। ये पहाड़ी कटहल है तो इसलिए पानी थोड़ा कम छोड़ा, नहीं तो वो थोड़ा और भी मतलब रसदार जैसा हो जाता है, मतलब वो थोड़ा पानी छोड़ता है वो, क्योंकि हमने नमक डाल रखा था इसमें, वैसे पानी तो क्या छोड़ता है, मतलब फिर भी थोड़ा वो रसदार टाइप का लगता है, रसीला जैसा लगता है, मतलब लटपटाना लगता है वो। ये देखिए पूरा ये अच्छे से, अब इसको आप चला के भून दीजिए अच्छे से सब्जी। ऐसे मैंने चला दिया, ये एक बार मसाला पूरा मिक्स कर दिया है इसमें, ये अच्छे से भून जाएगा, इसलिए मैंने ये बिना टमाटर डाले क्यों पकाया फ्रेंड्स, क्योंकि अच्छे से भून जाएगा ये कटहल की सब्जी जितनी भुनी होगी, कटहल की क्या वैसे तो हर सब्जी जितनी भुनी होती है उतनी टेस्टी होती है, कटहल की सब्जी आप जितनी भुनेंगे उतनी टेस्टी होगी। और तेल इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, इसको मसाला मिक्स करके भी मंदा आँच में 1-2 मिनट भूनने दीजिए, उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर डालूंगी, और टमाटर डाल के थोड़ा देर भून के अगर ज़रूरत होगी तो फिर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसमें, ज़रूरत नहीं होगी तो आप सूखी भी बना सकते हैं, कोई बिल्कुल सूखी पसंद करते हैं, लेकिन रोटी के साथ खाने के लिए थोड़ा लटपटानी चाहिए फ्रेंड्स, तो फिर थोड़ा इसमें पानी। अब 1-2 मिनट हो गए हैं इसको मसाला उसके बाद से भूटी हुई भी, या अच्छे से भूट गई अब कटहल की सब्जी, और लग भी रही है टेस्टी। आप कटहल लीजिए तो आप अंदाज कीजिए पका हुआ नहीं होना चाहिए, और ये टमाटर डाल दिया फ्रेंड्स मैंने, टमाटर डाल के भी भूट लीजिए, आप जितना भूटेंगे उतनी ही टेस्टी होगी, जितना आप कटहल की सब्जी भूटेंगे उतनी टेस्टी होगी। जो लोग नॉनवेज खाते हैं पता होगा कि कटहल की सब्जी अगर अच्छे से भुनी हो मसालेदार हो तो नॉनवेज का भी स्वाद देती है ये, और अगर आप नॉनवेज नहीं खा पा रहे गर्मी में अवॉइड करते हैं तो ये कटहल की और न्यूट्री ला के खाएँ, ये भी ऐसी होती है थोड़ा थोड़ा स्वाद में अगर अच्छे से बनी हो तो। आप थोड़ा देर इसको और ढक लेते हैं, फिर इसमें थोड़ा पानी की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे प्लेन्स के कटहल में भी डालना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा रस ज़्यादा आ जाता है, तो ये टमाटर डाल के भी पानी तो छोड़ेगा, लेकिन फिर भी ये सब्जी के साथ रोटी के साथ हम खा रहे हैं तो ये थोड़ा सूखा सूखा ज़्यादा होता है, तो इसमें पानी डालना पड़ेगा, प्लेन्स के कटहल में भी डालना है। ये थोड़ा पानी भी छोड़ दिया है, देखिए लटपटी जैसी हो गई है कटहल की सब्जी, और ये इसमें थोड़ा पानी भी छोड़ दिया है, देखिए इसमें 1-2 मिनट हो गए हैं ये, मतलब मन बिल्कुल सिमाज में 2-3 मिनट हो गए होंगे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सिमाज करिए, लेकिन इसमें मैं थोड़ा पानी डालना ही पड़ेगा, तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल थोड़ा अच्छी लगेगी, बहुत कम पानी डालेंगे, जितना आप चाहते हैं थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो बनाइए, लेकिन मतलब ये बहुत रसदार जैसे सब्जी अच्छी नहीं होती है, मैं तो बिल्कुल नहीं मतलब बहुत रसदार अच्छी नहीं मानती हूँ, जैसे हम लोग बनाते हैं आलू टमाटर की। अब आप लोग पसंद करते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन इसमें 1 गिलास पानी लग जाएगा, क्योंकि पानी डाल के भी हमने 1 या आधा गिलास चल जाएगा, क्योंकि कटहल ज़्यादा है तो 1 गिलास डाल देती हूँ।
अभी से मैंने पानी भी ऐड कर दिया है फ्रेंड्स, एक गिलास तक मैंने पानी ऐड किया है। आप अगर थोड़ा ज़्यादा सूखा बनाना चाहते हैं तो और भी कम पानी ऐड कर दीजिए, और अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो और ही ज़्यादा पानी ऐड कर दीजिए। लेकिन मतलब अगर आप सूखा भी चाहते हैं तो इसे पकाने के लिए आधे गिलास से ज़्यादा या एक गिलास से थोड़ा कम आपने ऐड करना ही पड़ेगा, और इसे आप ढक के कम से कम 8 मिनट रख के पकाना ही पड़ेगा। 7-8 मिनट या 9 या 10 मिनट तक लगभग बिल्कुल सीमा आँच में रखेंगे तभी पके। ये लगभग पकते हुए 8-9 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, इसको तैयार हो गया है और ये लटपट आना भी हो गया है। अभी बिल्कुल सूखा भी अच्छा नहीं लगेगा, ये थोड़ा रस भी है देखिए, ये रोटी खाने के लिए रस भी है इसमें ये, और ये और फिर ये रख देंगे तो अच्छे से ये, और मतलब ये अपनी भाप से ही पक जाएगा। ये ढक के थोड़ा देर ढक के अपने मतलब जो इसमें सब्जी में भी गर्म है, ये गर्माहट से पक जाएगा और थोड़ा पानी आप छोड़ेगा। कैसा हो रहा है ये कटहल की सब्जी मैंने बनाई थी, बहुत ही टेस्टी हो रही है फ्रेंड्स। ये पहाड़ी कटहल है और कुछ मामलों में तो उससे भी टेस्टी लग रहा है मुझे ये, क्योंकि इसमें मतलब ये ताज़ा ताज़ा ताज़ी सब्जी लग रही है इसकी, और इसमें जो उसमें कि स्पंजी होता है और थोड़ा ज़्यादा सब्जी पड़ जाती है उसकी, जैसे ज़्यादा होते हैं उसमें, लेकिन इसका भी अपना अलग स्वाद है, बहुत टेस्टी है। और एक दिन ट्राई करके मैं जो देसी कटहल या प्लेन्स का कटहल कहते हैं वो वाली कटहल बनाऊँगी, और आप भी ट्राई करिएगा, और आप प्लेन्स का कटहल तो बनाती होंगी कभी कभी, पहाड़ी कटहल भी ट्राई करिएगा। और अगर आप प्लेन्स का कटहल बनाते हैं तो उसकी भी सेम विधि है, यही विधि है, और वो भी मतलब उसका भी अलग स्वाद होता है, और कुछ मामलों में वो ज़्यादा टेस्टी होता है और कुछ मामलों में ये ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, और उसमें स्पंजी और ज़्यादा मतलब रेसे होने की वजह से कुछ मामलों में ज़्यादा टेस्टी लगता है वो। तो आप ज़रूर ट्राई करिए मेरे अनुसार ये कटहल की सब्जी, ये बहुत ही अच्छे से पकी है देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से पक गया हमारा कटहल, इतने देर में पकाया, थोड़ा इसमें खाने के लिए लटपटी भी हो गई है। ओके फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी रेसिपी कटहल की सब्जी, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है उषा ब्लॉग्स। ओके फ्रेंड्स।